मस्तिष्क को शांत करने, तनाव को दूर करने, डिप्रेशन स्ट्रेस को हमारे जीवन से बहुत दूर भगा देने, अनिद्रा को, और जिनको बहुत क्रोध आता है उन सबको, जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है उन सबको, अच्छा उन सब के मस्तिष्क को शांत, एकाग्र और संतोषी, और जिसको हम तृप्त कहते हैं, वो करने का कौन सा उपाय है योग में? अभी तक हमें जो समझ में आया है वो है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, शांत करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, उसके डिसऑर्डर्स को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय हमें भ्रामरी और उद्गीत लगा। फिर से मैं आपको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को छोटी छोटी बात में गुस्सा आने लगता है, जिन लोगों की याददाश्त कम हो गई है, छोटी छोटी बात भूलने लगे हैं, जैसे अभी ताला लगाया, अभी बाहर जाएंगे एक दो थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे और भूल जाएंगे कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है हमें। रात्रि को नींद आने में समस्या होती है, कई बार नींद खुलती है और हम किससे क्या बोल जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता, कौन सी चीज कहाँ रखी है हम भूल जाते हैं। ये छोटी 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 समस्याएं जो मस्तिष्क से संबंधित, स्मृति से संबंधित, मेमोरी से संबंधित जो आ रही हैं, इन सब का क्या निदान है? कई बार नींद भी नहीं आती कई लोगों को, तो जिनको नींद नहीं आ रही, पहले तो अपने पेट को साफ रखें, कब्ज को ना होने दें, कब्ज को दूर करें, पहले पेट अच्छे क्लियर हो कर लेंगे, उसके बाद भी नहीं आती तो फिर रात्रि को जो मैं दो प्राणायाम आपको आज बताने वाला हूँ, इसको आप रोज करके सोएं, और इसके अलावा रात्रि को यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नींद से कई समय से नहीं सोया, वह व्यक्ति एक टॉवेल को, नैपकिन को गीला करे, और गीला करने के बाद उसको निचोड़े, गीले गीले को अपने पेट पर अथवा कमर पर कहीं पर भी रख करके फिर सोए, ऊपर से कंबल या गर्म कपड़ा कुछ डाल दे जिससे कि ठंडा ना लगे वो, ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पहले ही दिन से, पहले ही रात से नींद आने लगेगी। दो प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रतिदिन करने चाहिए, जिसमें पहले का नाम है भ्रामरी। इसका पहले इसको देख लेते हैं कैसे होता है। हमारे जो हाथ हैं, इन हाथों के तीन हिस्से बना लिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रणव मुद्रा। कैसे होती है? तीन उंगलियां हमारी आंखों पर रखी जाती है, एक उंगली हमारी ललाट पर रखी जाती है, और कानों को अंगूठों से बंद किया जाता है, यहाँ के नाखून कटे हुए हैं ताकि चुभे नहीं, और इतना अच्छा बंद किया जाता है कि बाहर की आवाज बिल्कुल भी ना सुनाई दे, और जीभ को ऊपर तालु भाग में लगाना होता है, और सांस को पूरा भर के और हमिंग भावरे की तरह से गुंजन नाद करना पड़ता है, ऐसे करना होता है, पूरा श्वास भर के ऐसी पोजीशन बना के या प्रणव मुद्रा लगाकर, और धीरे धीरे पूरा श्वास भरने के बाद ओंकार का नाद मैं आपके सामने 3 बार कर रहा हूं, आप इसको देखें, और इसको प्रतिदिन रात को 8 से 10 बार रात्रि को करके सोएंगे यदि, तो निश्चित रूप से नींद आएगी और मस्तिष्क पूरा शांत रहेगा, स्मृति बुद्धि सब अच्छा काम करेगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, तनाव डिप्रेशन दूर भाग जाएगा, पक्की बात है ये, करके देख करते। पूरा श्वास अंदर भर लिया और प्रणव मुद्रा को लगाया, श्वास अंदर भरने के बाद ओंकार का नाद, मस्तिष्क बिल्कुल शांत और कानों को पूरी तरह से बंद, गहरा श्वास भर के ओंकार का नाद नासिका से हमिंग करते हुए ऐसे हुआ, फिर से श्वास भर लेंगे, फिर से श्वास भरें, ओम।
तीन बार भ्रामरी भ्रमर का नाद। भ्रामरी इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें भंवरे की तरह से आवाज होती है, और संस्कृत भाषा में भंवरे को भ्रमर कहते हैं। भ्रमर की सी ध्वनि करने के कारण भ्रामरी इसका नाम हुआ। अब हम उद्गीत का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद ही रखें, ध्यान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे को मिलाकर रखें घुटनों पर, कमर सीधी रखें, गहरा श्वास, मन में शांति और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। बहुत गहरा श्वास भरें। उद्गीत यानी ऊंचा गान करना प्रणव का, ओंकार का। फिर से श्वास भरें, फिर से ओंकार मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर। फिर से श्वास भरें। इसको एक स्वर में इस प्रकार से भी कर सकते हैं, श्वास भर के ओ। तीन बार से सात बार प्रतिदिन करें और पूरी तन्मयता से करें, पूरा डूब कर करें, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट कर करें, अपने भीतर के इस नाद को सुनने का प्रयास करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये प्रभु मैं पूरा जीवन पवित्रता से जीऊंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से इस जीवन के प्रत्येक कार्य को करूंगा, निश्चित रूप से कभी तनाव में नहीं आएंगे, मैं असत्य पूर्वक आचरण नहीं करूंगा। प्रभु मेरे संकल्प को शक्ति दीजिए, मैं आज से इन समस्त दोषों को छोड़कर गुणों को धारण करूंगा। प्रभु रोज योग का अभ्यास करूंगा, एक बार भी वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, मन से अनुचित न करूंगा, सब कुछ उचित मेरे जीवन में घटे, ऐसी शक्ति प्रभु आप मुझे दीजिए, ऐसे संकल्प को पालन करने की शक्ति दीजिए। प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगानां मूलम्। तनाव सब रोगों की जड़ है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। वो तभी दूर हो सकता है, तभी हम उससे बच सकते हैं, जब हम पवित्रता से जीवन जिएंगे। ईश्वर का धन्यवाद किया करें प्रतिदिन, और अपने कर्मों का निरीक्षण किया करें, हम कैसे कर्म करते हैं, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास किया करें, प्रतिदिन ऐसा किया करें। परमात्मा का धन्यवाद करके आंखों को हम धीरे धीरे खोलेंगे, तो पहले धरती माता के दर्शन करें, फिर धीरे से सामने की ओर। तो आज के सत्र को हम इतना ही रखते हैं, तो तनाव से मुक्ति हमारे जीवन में हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन योग करें। हम कोई बड़े से बड़े रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन योग करें। निश्चित रूप से हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।
मस्तिष्क को शांत करने, तनाव को दूर करने, डिप्रेशन स्ट्रेस को हमारे जीवन से बहुत दूर भगा देने, अनिद्रा को, और जिनको बहुत क्रोध आता है उन सबको, जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है उन सबको, अच्छा उन सब के मस्तिष्क को शांत, एकाग्र और संतोषी, और जिसको हम तृप्त कहते हैं, वो करने का कौन सा उपाय है योग में? अभी तक हमें जो समझ में आया है वो है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, शांत करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, उसके डिसऑर्डर्स को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय हमें भ्रामरी और उद्गीत लगा। फिर से मैं आपको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को छोटी छोटी बात में गुस्सा आने लगता है, जिन लोगों की याददाश्त कम हो गई है, छोटी छोटी बात भूलने लगे हैं, जैसे अभी ताला लगाया, अभी बाहर जाएंगे एक दो थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे और भूल जाएंगे कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है हमें। रात्रि को नींद आने में समस्या होती है, कई बार नींद खुलती है और हम किससे क्या बोल जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता, कौन सी चीज कहाँ रखी है हम भूल जाते हैं। ये छोटी 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 समस्याएं जो मस्तिष्क से संबंधित, स्मृति से संबंधित, मेमोरी से संबंधित जो आ रही हैं, इन सब का क्या निदान है? कई बार नींद भी नहीं आती कई लोगों को, तो जिनको नींद नहीं आ रही, पहले तो अपने पेट को साफ रखें, कब्ज को ना होने दें, कब्ज को दूर करें, पहले पेट अच्छे क्लियर हो कर लेंगे, उसके बाद भी नहीं आती तो फिर रात्रि को जो मैं दो प्राणायाम आपको आज बताने वाला हूँ, इसको आप रोज करके सोएं, और इसके अलावा रात्रि को यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नींद से कई समय से नहीं सोया, वह व्यक्ति एक टॉवेल को, नेपकिन को गीला करे, और गीला करने के बाद उसको निचोड़े, गीले गीले को अपने पेट पर अथवा कमर पर कहीं पर भी रख करके फिर सोए, ऊपर से कंबल या गर्म कपड़ा कुछ डाल दे जिससे कि ठंडा ना लगे वो, ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पहले ही दिन से पहले ही रात से नींद आने लगेगी। दो प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रतिदिन करने चाहिए, जिसमें पहले का नाम है भ्रामरी। इसका पहले इसको देख लेते हैं कैसे होता है। हमारे जो हाथ हैं, इन हाथों के तीन हिस्से बना लिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रणव मुद्रा। कैसे होती है? तीन उंगलियां हमारी आंखों पर रखी जाती है, एक उंगली हमारी ललाट पर रखी जाती है, और कानों को अंगूठों से बंद किया जाता है, यहाँ के नाखून कटे हुए हैं ताकि चुभे नहीं, और इतना अच्छा बंद किया जाता है कि बाहर की आवाज बिल्कुल भी ना सुनाई दे, और जीभ को ऊपर तालू भाग में लगाना होता है, और सांस को पूरा भर के और हमिंग भावरे की तरह से गुंजन नाद करना पड़ता है, ऐसे करना होता है, पूरा श्वास भर के ऐसी पोजीशन बना के या प्रणव मुद्रा लगाकर, और धीरे धीरे पूरा श्वास भरने के बाद ओंकार का नाद मैं आपके सामने 3 बार कर रहा हूं, आप इसको देखें, और इसको प्रतिदिन रात को 8 से 10 बार रात्रि को करके सोएंगे यदि, तो निश्चित रूप से नींद आएगी और मस्तिष्क पूरा शांत रहेगा, स्मृति बुद्धि सब अच्छा काम करेगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, तनाव डिप्रेशन दूर भाग जाएगा, पक्की बात है ये, करके देख। करते पूरा श्वास अंदर भर लिया और प्रणव मुद्रा को लगाया, श्वास अंदर भरने के बाद ओंकार का नाद, मस्तिष्क बिल्कुल शांत और कानों को पूरी तरह से बंद, गहरा श्वास भर के ओंकार का नाद नासिका से हमिंग करते हुए ऐसे हुआ, फिर से श्वास भर लेंगे, से श्वास भरें,
तीन बार भ्रामरी भ्रमर का नाद। भ्रामरी इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें भंवरे की तरह से आवाज होती है, और संस्कृत भाषा में भंवरे को भ्रमर कहते हैं। भ्रमर की सी ध्वनि करने के कारण भ्रामरी इसका नाम हुआ। अब हम उद्गीत का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद ही रखें, ध्यान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे को मिलाकर रखें घुटनों पर, कमर सीधी रखें, गहरा श्वास, मन में शांति और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। बहुत गहरा श्वास भरें। गीत यानी ऊंचा गान करना प्रणव का, ओंकार का। फिर से श्वास भरें, फिर से ओंकार मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर। ओ से श्वास भरें। इसको एक स्वर में इस प्रकार से भी कर सकते हैं, श्वास भर के तीन बार से सात बार प्रतिदिन करें, और पूरी तन्मयता से करें, पूरा डूब कर करें, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट कर करें, अपने भीतर के इस नाद को सुनने का प्रयास करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये प्रभु मैं पूरा जीवन पवित्रता से जीऊंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से इस जीवन के प्रत्येक कार्य को करूंगा, निश्चित रूप से कभी तनाव में नहीं आएंगे, मैं असत्य पूर्वक आचरण नहीं करूंगा। प्रभु मेरे संकल्प को शक्ति दीजिए, मैं आज से इन समस्त दोषों को छोड़कर गुणों को धारण करूंगा। प्रभु रोज योग का अभ्यास करूंगा, एक बार भी वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, मन से अनुचित न करूंगा, सब कुछ उचित मेरे जीवन में घटे, ऐसी शक्ति प्रभु आप मुझे दीजिए, ऐसे संकल्प को पालन करने की शक्ति दीजिए। प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगानां मूलम्। तनाव सब रोगों की जड़ है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। वो तभी दूर हो सकता है, तभी हम उससे बच सकते हैं, जब हम पवित्रता से जीवन जिएंगे। ईश्वर का धन्यवाद किया करें प्रतिदिन, और अपने कर्मों का निरीक्षण किया करें, हम कैसे कर्म करते हैं, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास किया करें, प्रतिदिन ऐसा किया करें। परमात्मा का धन्यवाद करके आंखों को हम धीरे धीरे खोलेंगे, तो पहले धरती माता के दर्शन करें, फिर धीरे से सामने की ओर। तो आज के सत्र को हम इतना ही रखते हैं, तो तनाव की, तनाव से मुक्ति हमारे जीवन में हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन योग करें। हम कोई बड़े से बड़े रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन योग करें। निश्चित रूप से हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।